सेंड हेलो बटन, एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? डबल आई टैप होप टू सो कि सब एक्टिवेट, बहुत मजे में डबल होंगे। टैप टू एक्टिवेट। आई होप सो कि सब बहुत मजे में होंगे। हाउ आर यू ऑल? और हम आपको आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से एचटीएमएल। कल हमने डाउनलोड बटन के ऊपर बात की थी। मान लीजिए आप, कल हमने बताया था कि आपने एक एग्जांपल देखी कि सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, और फिर हमने दिया था डाउनलोड बटन, ठीक है ना, दिया था ना। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डाउनलोड, या फिर आपको बताया था सबमिट बटन कहीं पे हम देते हैं जिसके लिए हैड टैग का यूज़ बहुत ज़रूरी है। बिना हैड टैग अगर हम ना लगाएं, जैसे टाइटल के बाद लगाते हैं तो वो सबमिट का जब हम बटन बनाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता, सबमिट का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बटन लगाना सिखा रही हूँ। क्या लगाना सिखा रही हूँ? बनाना बटन। बटन बनाना सिखा रही हूँ, और इस बटन के चलते आप जो है बहुत सारी चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं अगर हम बटन, मैं आपको इसके बाद लिंक बनाने का टैग सिखाऊंगी। तो चलिए आज हम, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई वेब पेज बनाया आप, वो और वो जो है कोई, या फिर आप कहीं पे कोई ऑडियो देखते हो, गाना सुनते हो, ठीक है, गाना सुनते हो, तो वो गाने के नीचे आता है, क्या आता है? डाउनलोड बटन, है ना, आता है ना डाउनलोड बटन। इसी के बाद मैं आपको लिंक भी बनाना सिखाऊंगी, तो लिंक डाउनलोड बटन आप बना सकते हो। तो वो डाउनलोड बटन किसने कैसे बनाया, या फिर आपने कोई किसी वेबसाइट पे कंटेंट देखा, ठीक है, किसी वेबसाइट पर कोई कंटेंट देखा है आपने और वो कंटेंट आप चाहते हो उसको डाउनलोड तो करना, तो अगर वो बटन ना हो तो आप कैसे करोगे? विदाउट बटन आप नहीं कर सकते एक्सेस, है ना, विदाउट बटन आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना नोटपैड खोलो, यहाँ आपको वेब पेज का सोच लो, क्या कंटेंट बनाना है, कहाँ बटन देना है, कहाँ बटन बनाना है, ये तमाम सोच लो पहले कंटेंट। अब यहाँ पर क्या है कि आप सबसे पहले टाइटल टैग दो, हेड टैग दो, ठीक है, फिर उसके बाद आप, नहीं पहले एचटीएमएल टैग दो, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, लेस एचटीएमएल ग्रेटर, फिर लेस टाइटल ग्रेटर, वो लेस हेड ग्रेटर, पहला टैग नोटपैड में लेस एचटीएमएल ग्रेटर, कोडिंग करेंगे ना फिर हम लेस हेड ग्रेटर, फिर उसके बाद लेस टाइटल ग्रेटर तीसरा टैग है, फिर चौथा है लेस बॉडी ग्रेटर। तो अब जब हम पहले तीसरा लगा रहे हैं, चौथा तो लेस बॉडी ग्रेटर है, तीसरा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर टाइटल आपको जो देना है लेस टाइटल ग्रेटर, लेके लेस लेस टाइटल ग्रेटर उसको क्लोज कर दो, फिर लेस लेस हेड ग्रेटर उसको क्लोज कर दो। अब बनाओ चौथा टैग लेस बॉडी। तो ये जो सेंड हमने बटन, वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड डबल कर टैप टू रहे हैं, एक्टिवेट, डबल टैप तो टू एक्टिवेट। हम जो वॉइस मैसेज में, सॉरी, ये सेकंड वॉइस नोट है आपका, ये फर्स्ट वॉइस नोट में थोड़ा सा अपना था, कॉल आ गई, ये इंटरप्ट हो गया था, तो अभी मैं सेकंड वॉइस नोट बना रही हूँ उसका। देखिए हम क्या करेंगे कि टाइटल हेड टैग और एचटीएमएल टैग, हेड टैग टाइटल टैग तीनों टैग लिए, टाइटल में आपको डालना है टाइटल, उसके बाद हेड टैग को क्लोज करना है, बॉडी टैग में आप बॉडी टैग में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे दो, ठीक है, जो आपको देनी है। उसके अलावा आप कोई कंटेंट है वेबसाइट से उसके लिए डाउनलोड बटन बनाना चाह रहे हो, कोई मैंने जैसे कि कुछ फॉर्म है कोई गूगल का उसके लिए देना चाह रहे हो, या किसी और तरह का बटन बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको याद ये रखना है, जहाँ वो बटन बनाना है पहले तो एक लाइन चेंज कर लो, अच्छा रहेगा, और फिर वहाँ पे लेना है लेस बटन ग्रेटर,
वहाँ पे आपको सबमिट है तो सबमिट, डाउनलोड है तो डाउनलोड, सबमिट है तो सबमिट, डाउनलोड है तो डाउनलोड लिखो, और फिर लिखो लेस्ट स्लैश बटन ग्रेटर, और फिर उसके बाद जो है आप उस फाइल को बहुत अच्छे से पूरा, जो आपने अगर हेडिंग वेडिंग यूज़ करना है, जहाँ जो भी करना है वो आप करो, क्योंकि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। बॉडी टैग को क्लोज करो, और इसके अलावा बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद एचटीएमएल को क्लोज करो, एचटीएमएल टैग को, फाइल को सेव करो, और फाइल को सेव करने के या टिक यानी पोर्ट में उसका नाम दो, डॉट एचटीएमएल दो, फाइल टाइप में आप ऑल पे रखो हमेशा, और फिर उसको सेव या तो लोकेशन दे के कर दो या सेव बटन पे एंटर करके रख दो, ठीक है इस तरह। और फिर आप ब्राउज़र में रन करके देखो, आपको फाइल में वो डाउनलोड बटन या आपने जिस जो भी बटन बनाया है वो आपको मिलेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, कल और परसों मैं आपको एक बार बताती हूँ, फिर अगले हफ्ते लिंक पर बात करेंगे, ठीक है। तो जितना एक्सप्लोर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना सही होगा। वो बीच में असल में थोड़ा सा गैप हो गया, कॉल आ गई, तो इसीलिए मुझे मैं भूल गई कि मुझे कहाँ तक मैंने पहले वॉइस नोट में आपको बताया, फिर ये सेकंड वॉइस नोट मैंने आपका कंप्लीट किया है ट्यूटोरियल, ठीक है, ये वॉइस नोट में बनाया है आज, ठीक है, चलें जी।